अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम, और आज हम जो टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है मैजिक वैन टूल। शॉर्टकट भी देख लिया होगा आपने, W लिखा हुआ है। और सबसे पहले तो ये जो पिक्चर है, हम चाहते हैं कि इसकी डुप्लीकेट ले लें। विंडोज़ में जाते हैं, लेयर पैनल खोलते हैं, F7 शॉर्टकट है। लेयर पैनल खोलने के बाद कंट्रोल जे, और कंट्रोल जैसे क्या हुआ कि इसकी डुप्लीकेट आ गई। नीचे वाले की आइस ऑफ कर दें, और अब मैजिक पेन टूल का हम इस्तेमाल करके देखते हैं। इसको ज़रा साइड पे रख लेते हैं। मैजिक पेन टूल सेम कलर्स को पिक करता है। हमने क्लिक किया, जहाँ जहाँ उसको सेम कलर मिले उसने पिक कर लिया। बाकी का जो हिस्सा रह गया, शिफ्ट के साथ हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट स्टिल प्रेस है, और वो हिस्सा भी इसमें इंक्लूड होता रहेगा इस तरीके से। मूव टूल लिया और मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, और आप ये देखें कि वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कंट्रोल डी प्रेस किया, नीचे ओरिजिनल पिक्चर मौजूद है जिसकी मैंने आइस ऑफ करी हुई है। कॉपी के ऊपर हमने काम किया, यानी उसका बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया है। अब इसके पीछे हम स्काई अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से इसको माउस से पकड़ा, ड्रैग किया और उठा के यहाँ ले आए। लेयर पैनल को साइड पे कर देते हैं, जूम कम करते हैं, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, 100% साइज है, निकल साइज जो है 50% करते हैं, एंटर, और मज़ीद साइज कम करते हैं, डिलीट का बटन प्रेस किया, 50% एंटर। यानी हम लिखकर भी साइज कम कर सकते हैं, हम इस तरीके से ऑल्ट और शिफ्ट के साथ भी साइज कम कर सकते हैं। साइज को रिसाइज किया, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल जीरो फिट टू विंडो, लेयर पैनल खोला। अब ये वाली जो पिक्चर है, जो हमारी बैकग्राउंड की है, इसको इसके ऊपर लेकर आते हैं, पकड़ के मूव किया और जूम को कम करें, और आप ये देखें कि पीछे हमने ये किस तरीके से बैकग्राउंड चेंज कर दिया। आइस ऑफ करके देखें, पीछे बैकग्राउंड है, और उसके किस तरीके से हमने मैजिक पेन टूल का इस्तेमाल किया और बैकग्राउंड चेंज कर दिया। एक और बैकग्राउंड हमने रखा हुआ है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, माउस के जरिए ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दें, और कंट्रोल माइनस जूम कम करी, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म विंडो, साइज को छोटा किया, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ किया, और एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल जीरो फिट टू विंडो, और फिर लेयर को पकड़ के ऊपर ले आए बिल्डिंग की जो लेयर है। तो आप ये वाला बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। देखें कितने इजीली हमने मैजिक वैन टूल के ज़रिए बैकग्राउंड चेंज कर लिया। उसके बाद मैजिक वैन टूल का मज़ीद इस्तेमाल करते हैं, एक पोस्टर बनाते हैं। ये पिक्चर है बैकग्राउंड के साथ, इससे हम खूबसूरत सा पोस्टर बनाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल जे डुप्लीकेट, और नीचे वाली ओरिजिनल पिक्चर की आइस को ऑफ कर दें। मैजिक वैन टूल लिया, यहाँ तो और आसानी के पूरा बैकग्राउंड वाइट है। हमने वाइट पे जैसे ही क्लिक किया, वो देखें तमाम हिस्सों पर सिलेक्शन आ गई। मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया और कंट्रोल डी प्रेस किया, तो आप देखो कि बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। और उसके बाद हमने यहाँ पर न्यू पेज लिया, क्योंकि हम पोस्टर बनाना चाहते हैं, और USA पेपर ले लिया, पोस्टर लिख दिया, बाकी पूरी सेटिंग डन है, ओके किया। मूव टूल हमारे पास मौजूद है, इस बोतल को यहाँ से मूव करवाया और पेज पर लेकर आ गए। कंट्रोल टी, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ साइज को बड़ा किया, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, क्यों? क्योंकि चारों तरफ से इक्वली बड़ा हो जाए। उसके साथ उसका एक लेबल भी आ गया है, ये हमें पसंद नहीं आ रहा, इसको हम हटाना चाहते हैं, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। कैसे? रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यानी कि जो रेक्टेंगल शेप है इसको लें, और लेने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से सिलेक्शन बना दें, और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। और अब हमें सिर्फ बोतल मिल गई है, पेज के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में रखना है। कंट्रोल ए प्रेस करें, सेलेक्ट ऑल, और ऊपर देखें सेंटर और वर्टिकल सेंटर का ऑप्शन आ गया, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। अब हम चाहते हैं कि ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर दें इसके बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया, लेयर पैनल में जाके, और ये ग्रेडियंट कलर्स आ रहे हैं, क्लिक किया, और ऊपर ये हमारे पास बहुत सारे कलर्स बने हुए हैं, मतलब इनको हम बनाना चाहते हैं अपने मुताबिक। क्लिक किया, किस तरीके से देख लें आप,
ये ग्रेडियंट कोई भी कलर आ रहे हैं उस पर क्लिक करेगा, विंडो आ जाएगी। इस कलर पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से ही मैंने कलर पिक कर लिया, यानी इस बोतल में से ही हमने कलर सेलेक्ट करने हैं। ओके किया, ये वाला लॉक पकड़ के बाहर निकाल दें और इस लॉक को थोड़ा आगे कर लें। इस पर डार्क ग्रीन कलर में लेना चाहती हूँ और इसी में से ही पिक करना चाहते हैं, और हमारे पास ये डार्क ग्रीन कलर, हमने कहा थोड़ा सा और डार्क ले लेते हैं। ओके किया और ये कलर्स हमारे पास आ गए। विंडो को ओके किया और रेडियल स्टाइल यानी सर्कल स्टाइल जो ऊपर मौजूद है, रेडियल ग्रेडियंट, इसको सिलेक्ट रखा हुआ है। बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड है और माउस को पकड़ के ऐसे खींचे ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा कलर अप्लाई हो गया है, यानी कि जो हम चाहते थे। उसके बाद ऊपर वाली लेयर यानी बोतल वाली लेयर मैंने सेलेक्ट करी है, टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया और साइज ग्रीन है, नहीं हो तो ले लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी ग्रीन है। फ्रेश लिखने के बाद कंट्रोल टी ऑल्ट और शिफ्ट के साथ रिसाइज करते हैं, कितना बड़ा रखना चाहते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट एंटर, और साथ ही हम इस पे स्ट्रोक भी अप्लाई करना चाहते हैं। एफएक्स लेयर स्टाइल पे गए, स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ स्ट्रोक, क्लिक किया और ये हमारे पास स्ट्रोक आ गया लेकिन ब्लैक कलर का है। कलर पे क्लिक करें और स्ट्रोक कलर हमने ले लिया वाइट। ओके किया, स्ट्रोक का साइज थोड़ा बढ़ा लिया और देन फिर ओके किया। ओके करने के बाद इस एस को मैं थोड़ा सा कट करना चाहती हूँ। अगर मैं पॉलीगोनल टूल लेकर किसी भी अल्फाबेट पर से सिलेक्शन बना के कट करने की कोशिश करूँगी यानी डिलीट करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा, यानी मैसेज आ जाएगा, तो आपको इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। मूव टूल लिया, लेयर पैनल पर गए, यहाँ टेक्स्ट टूल की जो लेयर है इसके ऊपर राइट क्लिक किया और रास्टराइज टाइप लिखा होगा इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखें रास्टराइज हो गई है लेयर। अब मैंने पॉलीगोनल टूल लिया, जूम को थोड़ा बढ़ा लिया और एस अल्फाबेट के ऊपर मैं सिलेक्शन बनाना चाह रही हूँ पॉलीगोनल टूल के जरिए, इस तरीके से। यानी कि ब्यूटीनेस है, आप जिस तरीके से काम करना चाहें, आपको जो मेथड पसंद आए आप वो कर सकते हैं। सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन को बंद किया, कंट्रोल 0 फिट टू विंडो, डिलीट मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया और कंट्रोल डी। तो इस तरीके से देखें कितना खूबसूरत सा एक पोस्टर हमारा तैयार हो गया। तो यकीनन मैजिक पेन टूल का इस्तेमाल आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आगे होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।